नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पोल्ट्री। दोस्तों आज मैं आपको मेरे दूसरे पोल्ट्री फार्म पे लेकर आया हूँ। अभी तक मैंने जो वीडियो शूट करता था वो मेरे 2019 में बना हुआ 5000 मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म था। अब जहाँ पे मैं आपको लेकर आया हूँ इस फार्म में जो है मैं 11000 मुर्गियाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है। और यह फुल्ली ऑटोमेटिक किंतु पर्दे से बना हुआ पोल्ट्री फार्म था। ऊपर फाल सीलिंग करी हुई थी और साइड में भी साइड कर्टन लगे हुए थे, किंतु साइड कर्टन की जैसे कि आप हम सभी को पता है कि एज होती है, उसके बाद में फार्म की इफिशियंसी कम होते होते चले जाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये 2021 में इस फार्म को अपडेट किया था और 2021 में अपडेट करने के बाद में ये 3 साल से कंटिन्यू रन होते हुए आ रहा था, किंतु तूफान के चलते और पर्दे कंटिन्यू जाली से टकरा टकरा के पर्दों में छेद हो गया था और उसके कारण जो फार्म को जो कूल करने की जो इफिशियंसी थी वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी। ऐसा भी नहीं है कि मतलब पूरी तरीके से कम हो गई थी, बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रहा था और फार्म चल रहा था। किंतु जब मैं 2021 के थोड़ा सा आपको बातचीत बताऊं, जब मैंने फार्म को अपडेट किया था उससे पहले का सीन में बताऊं, तूफान के कारण क्या हुआ था, पर्दे को ही हवा उखाड़ के ले गई थी। वो लास्ट वाला जो दरवाजा मेरा एग्जॉस्ट फैन के पास में दरवाजा था उस दरवाजे को ही उखाड़ दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि मुझे उस समय ये अच्छी बात है लिफ्टिंग हो चुकी थी और कुछ बच्चे बचे हुए थे तो मुझे नुकसान नहीं हुआ। किंतु अगर वेज गली हुई होती और इस प्रकार से अगर दुर्घटना अगर हो जाती तो मुझे ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो उस बात को जो है वो बात कहीं ना कहीं पे मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैंने जब फाइनल प्लान किया था कि जब भी मैं इसको अपडेट करूंगा तो मैं पैक दीवार में ही पैक करूंगा। तो दोस्तों आप जहाँ पे मैं आया हूँ, मैं थोड़ा सा फार्म की डायमेंशन आपको बताना चाहूंगा। इस फार्म की लंबाई है 290 फीट, वैसे एक्चुअली 300 फीट है, किंतु 10 फीट का मैंने जो दाने का रूम बना दिया है तो टोटल फार्म की लंबाई है 290 फीट और चौड़ाई है 30 फीट। इसमें मैंने 2020 में मैंने 3 लाइन पानी की लगा रखी थी और 2 लाइन मैंने ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन लगा रखी, ठीक है। तो अब मतलब ये हो गया फार्म के डायमेंशन। और उस जब मैंने फार्म का निर्माण किया था उस समय इसी फार्म का इतना कोई मतलब जानकारी भी नहीं थी और चलन भी नहीं था, तो उस समय फार्म की जो हाइट मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ली थी। फिर 2021 में जब मैंने फार्म को अपडेट किया था तो उसकी हाइट को कम करके और 7 फीट हाइट पर जो है मैंने फार्म को बना दिया था, ठीक है। तो ये हो गया फार्म के बारे में। और 2020 में जब मैंने फार्म का निर्माण किया, कोरोना के समय का निर्माण था फार्म में, और पहला बैच जो है 12 मार्च को इस फार्म में प्लेस हुआ था। तो 2020 और 21 और 22 मैंने सुगुना कंपनी के साथ में फार्मिंग की और 23 से जो है मैंने सिमरन कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ। सुगुना कंपनी का जो परफॉर्मेंस मतलब मैंने बहुत मेहनत करने के बाद में परफॉर्मेंस मिल पाता था, किंतु जब से मैं सिमरन से जुड़ा हूँ तब से मुझे मेहनत कम और आउटपुट जो है जितना मैं चाहता हूँ उतना आउटपुट मुझे मिल रहा था, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पिछले 2-3 साल के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब मैं फार्म के अंदर मैंने जो है क्या किया है और क्यों किया है, देखिए पर्दे का तो मैंने आपको बता दिया है। पर्दे में जो दो सिचुएशन बनती है, एक तो पर्दा एयरटाइट तो कर सकता है फार्म को, किंतु जो धूप जो आती है धूप को रोक नहीं सकता। धूप तो रोक लेता किंतु धूप से अंदर जो हीट जो रहती है उसको नहीं रोक पाता। उसके कारण क्या होता है कि जब भी मुर्गियां जब बड़ी हो जाती है और जब धूप निकलती है तो क्या होता है कि बीच में आके डेंसिटी बढ़ जाती है और साइड साइड में आप देखेंगे कि मुर्गियां जो खाली रहती, पूरा एरिया जो है खाली रहता है। तो इसके कारण क्या होता था कि एक तो मतलब पंखे ज्यादा चलते थे, फार्म जल्दी ठंडा नहीं होता था, और ये जो मैंने आपको बता दिया कि मुर्गियां जो है उसे मतलब अगर बीच में अगर जगह होती थी वो बीच में आके बैठती थी, दीवार पे बैठना पसंद नहीं करती थी, और जहाँ पे छाव होती थी वहां पे जो बिल्कुल मुर्गियां दीवार से सट के बैठती थी। तो एक तो ये कारण रहा, और दूसरा भी कारण ये रहा कि मतलब मुझे दीवार में जाने का जो दूसरा कारण ये रहा कि फार्म जल्दी ठंडा होगा और मेंटेनेंस का टेंशन नहीं है। एक बार अब जो है फार्म अपडेट हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 6 साल के बाद में ही जो है इसको देखरेख करने की आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने फार्म को पूरा नए सिरे से पेंट भी करवा रहा हूँ और दीवार भी करवा रहा हूँ। दीवार में जो है मैं SCC ब्लॉक का प्रयोग करवा रहा हूँ। जितनी भी दीवार है दोनों साइड से मैंने जो साइड हाइट ली है टोटल करीब 7 फीट जो है साइड हाइट ली है, और इसके अंदर जो मैं जहाँ पे आपको दिख रहा है इसको जैसे पहले आपको दिख रहा होगा कि पहले जो इसकी हाइट करीब सेंटर हाइट करीब 10 फीट है, इस 10 फीट को मैं कम करके उसको 7 फीट हाइट पे जो है मैं इसको करवा रहा हूँ। इस फार्म में टोटल 6 एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं जो शुरू से ही लगे हुए, 6 एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं टोटल, जो मेरे पास में 36 कूलिंग पैड लगे हुए थे मैं उसको 40 कूलिंग पैड कर रहा हूँ। और मतलब इसमें इस फार्म में जो 3-4 चीज़ों जो मैं अपडेट कर रहा हूँ, एक तो दीवार पूरा पैक कर दिया, एग्जॉस्ट फैन जो जितने लगे थे उतने उतने एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, और जहाँ पे 36 फीट कूलिंग पैड लगा हुआ था वहाँ पे कुछ कूलिंग पैडों को चूहे ने काट दिया, तो उस कूलिंग पैड को हटवा के मैं नए कुछ रिप्लेस कर रहा हूँ। किंतु देखिए 2021 22 23 और 24 लगभग 24 भी आधा चले गया, तब से अभी तक कूलिंग पैड का मतलब परफॉर्मेंस अगर मैं देखूँ तो सेम मिल रहा है उसमें, मतलब टाइम ड्यूरेशन के चलते कूलिंग पैड का परफॉर्मेंस के ऊपर मुझे कोई इतना विशेष मतलब फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो मैं जहाँ पे 36 फीट कूलिंग पैड लगा हुआ था कुछ गेट वगैरह तोड़वा के नया
गेट बनवा रहा हूँ, तो उस प्रकार से मैं उसको 40 फीट कूलिंग पैड लगवा रहा हूँ, ठीक है, 40 फीट एक साइड, 40 फीट दूसरी साइड, ठीक है। मैंने प्लान ये भी किया है कि ऑटोमेटिक मतलब गोडन हॉपर भी लगवाना है इस फार्म में, कितना जब मैं लगाऊंगा वो भी मैं आपको चीज बताऊंगा। तो इस फार्म के अंदर जो कुछ मैंने अपडेट्स जो किए हैं, और इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज है, जो अभी तक जो मेरा बिजली का जो कनेक्शन था वो था मेरा टेम्पररी कनेक्शन। टेम्पररी कनेक्शन में क्या होता था, मेरा बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता था, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मतलब मेरे साथ में होती थी, और इसीलिए जो मैं इस फार्म को मतलब इतने समय तक खींचते हुए ले आया, क्योंकि मेरे पास ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा इशू था, तो बड़ी मुश्किल से ट्रांसफार्मर मेरा अप्रूव हुआ और ट्रांसफार्मर के पोल इलेक्शन हो गए हैं, कभी कंडक्शन स्टेगिंग एक या दो दिन में हो जाएगा, मतलब 15 जुलाई तक ये मैं जिस फार्म पर खड़ा हूँ, ये फार्म पूरी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि अपडेट हो जाना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर भी मेरा लगा है, उसमें मैं 63 KVA का ट्रांसफार्मर लगाया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे दो फार्म है, एक फार्म ये है और एक फार्म और भी है, जो कि मैं आपको उसके ऊपर भी मैं वीडियो बताऊंगा, जैसे मैंने एक वेट ब्लेड में जो फैन का स्टेटस डाला था वो उसी फार्म में लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकला कि मैंने फार्म में नए अपडेट किए और नए अपडेट के मैंने कारण भी बताए हैं। आप इस फार्म में रोज रोज नई जो जानकारी रहेगी वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, ताकि फार्मर भाई को इसमें मदद मिलती रहेगी, आप फार्म के अंदर मतलब मैंने क्या किया है, कितना खर्चा लगा है, और फार्मर भाई मतलब ये क्यों किया है, ये सब बातें की जानकारी जो है मैं इस अगले वीडियो जो आने वाले हैं सीरीज उसमें मैं आपको देता रहूँगा। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, धन्यवाद।